वफाकी हुकूमत ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और कौमी सलामती के उमूर पर 6 घंटे तक तवील इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और असासी इदारों के सरबराह ने शिरकत की। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुझे ट्रैक किया गया, कत्ल होने से अल्लाह ने बचाया। केसेस करने का मकसद मुझे यहां से निकाल कर कत्ल करना है, उनका एक ही मकसद है मुझे रास्ते से हटाना है। मुल्क की बड़ी पार्टी के सरबराह को अगर कत्ल करेंगे तो मुल्क में फसाद होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस इनसे पूछे कि ये 20 लोग कौन थे, अगर मैं जेल गया तो ये जेल में भी मुझे मरवा देंगे। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा, जो कल तक मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से जुम्मे के रोज तक इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है।